नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दुनिया की पांच सबसे बड़ी मशीनों में पहले नंबर पर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन आती है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया की सबसे बड़ी जटिल मशीन है। इस मशीन को यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन द्वारा 1998 से 2008 के बीच बनाया गया था। इसे बनाने में 10,000 से ज़्यादा वैज्ञानिक और 100 से ज़्यादा देशों से सहयोग लिया गया था। यह एक सुरंग में 27 किलोमीटर की परिधि में स्थित है। इस मशीन के अंदर दो कण के बीम टकराते हैं। अल्ट्राहिग वैक्यूम ट्यूब में बीम विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनाने का मुख्य कारण ब्रह्मांड की रचना के बुनियादी कारणों को समझना है। दोस्तों, दुनिया की पांच सबसे बड़ी मशीनों में दूसरे नंबर पर बकेट व्हील एक्सक्वेटर मशीन आती है। यह सतह के खनन में इस्तेमाल होने वाली एक भारी जटिल मशीन है। इस मशीन का मुख्य कार्य बड़े पैमाने पर खुले गड्ढे या खनन कार्यों में निरंतर खुदाई करना है। बकेट व्हील एक्सक्वेटर अब तक निर्मित सबसे बड़ा वाहन है और इसका कुल वजन 14,200 टन है। इस मशीन के नाम दुनिया में निर्मित जमीन पर सबसे भारी वाहन के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, दुनिया की पांच सबसे बड़ी मशीनों में तीसरे नंबर पर टनल बोरिंग मशीन आती है। पुराने समय में सुरंग बनाने के लिए ड्रिल और ब्लास्ट का तरीका इस्तेमाल किया जाता था। इससे सुरंग के आसपास के वातावरण पर असर पड़ता था, लेकिन टनल बोरिंग मशीन के आने से सुरंग बनाने का काम सरल हो गया है। यह जटिल मशीन पृथ्वी में सुरंग बनाती है। इसमें लगे इंटरलॉकिंग कंक्रीट की ईंटें बनाते हैं और सुरंग की दीवारों का निर्माण करती है। इस मशीन से सुरंग 1 मीटर से लेकर लगभग 18 मीटर तक की चौड़ाई में खोदी जा सकती है। टनल बोरिंग मशीन के आने से सुरंग बनाने की लागत भी काफ़ी कम हो गई है। इससे घनी आबादी वाले शहरीकृत क्षेत्रों में सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, दुनिया की पांच सबसे बड़ी मशीनों में चौथे नंबर पर सैटर्न वी रॉकेट आती है। अभी तक की सबसे जटिल निर्मित मशीन सैटर्न वी रॉकेट है। इसी रॉकेट से मनुष्य को चांद पर भेजा गया था और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटाया भी गया था। यह दानव के आकार का रॉकेट 7.5 मिलियन पाउंड के थ्रस्ट का उत्पादन करता है, जो कि मनुष्य को गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़कर उसे गहरे अंतरिक्ष में भेजने के लिए पर्याप्त है। इसमें निर्मित टुकड़े लगभग अमरीका की हर एरोस्पेस कंपनी द्वारा बनाए गए थे। सैटर्न वी रॉकेट इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का एक सच्चा चमत्कार है। दोस्तों, दुनिया की पांच सबसे बड़ी मशीनों में पांचवें नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन निश्चित रूप से सबसे बड़ी मशीन नहीं है, लेकिन बहुत जटिल है। गहरे शून्य स्थान के वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना काफ़ी कठिन काम है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना कई देशों के बीच सहयोगी प्रयास से ही संभव हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में भी काम करता है। यहाँ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो कि पृथ्वी पर संभव नहीं है। इन प्रयोगों में खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिकी तथा अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। यह मानव द्वारा बनाई गई अंतरिक्ष में सबसे बड़ी वस्तु है। दोस्तों, इसी तरह की नई नई जानकारी और नए नए रोचक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।